पेंटेड स्टोन्स जो एक बेहतरीन डेकोर बनते हैं हमारे घरों के लिए, स्पेशली बालकनीज के लिए, इनमें जो स्टोन्स यूज करते हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो क्या इनको आप घर पे बना सकते हैं, और यदि आपने घर पे बनाने हैं तो क्या मटेरियल इस्तेमाल करें, फिर जो बने हैं स्टोन्स इनको पेंट करने के लिए कौन से पेंट्स का इस्तेमाल करें, बेस्ट ऑप्शन क्या है, कौन कौन से पेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं हम स्टोन पेंटिंग के लिए, ये जानेंगे हम आज के वीडियो में। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट मेंटेनेंस, आप इतने मेहनत से जो स्टोन पेंटेड स्टोन्स बनाओगे इनको सील कैसे करना है, इनको मेंटेन कैसे करना है, ये भी मैं बताऊंगी ब्रीफली। और अब चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ये रहा मेरे आर्ट स्टोन्स का छोटा सा कलेक्शन। हर सेट ऑफ स्टोन्स का मैंने वीडियो बनाया है और ये सारे वीडियोस एक प्लेलिस्ट में सेव किए हैं, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये स्टोन पेंटिंग्स के वीडियोस देख सकते हो। ये तो सभी जानते हैं कि स्टोन्स समंदर या नदी किनारे पाए जाते हैं, और कुछ लोग ये भी जानते हैं कि स्टोन्स खरीदे जा सकते हैं ऑनलाइन या फिर नर्सरीज से जहां पौधे मिलते हैं, या फिर एक्वेरियम शॉप्स से। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि हम स्टोन्स घर पर भी बना सकते हैं। बहुत आसान है। आपने करना क्या है, केवल जिप्सम या रैपिड सेट सीमेंट पानी में घोल के पेस्ट बनानी है, और इस स्लरी को सिलिकॉन मोल्ड्स में पोर करके कुछ घंटे सेट होने देना है और आपके होममेड स्टोन्स तैयार हो जाएंगे। और यदि आपके पास नेचुरल स्टोन्स हैं तो पहले इन्हें अच्छे से क्लीन करें, प्राइम करें और फिर पेंटिंग शुरू करें। स्टोन्स को पेंटिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करना है इसका एक अलग सा वीडियो अपलोड किया है मैंने, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अब जानते हैं कि स्टोन्स पेंट करने के लिए कौन से पेंट्स का इस्तेमाल करें। ये जो पेंटिंग्स बने हैं कैनवस पे, ये तीनों पेंटिंग्स मेरे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं ऑयल पेंट्स से, बहुत ही प्यारे बने हैं, है ना। ये रहा कंप्लीट सेट ऑयल पेंट्स का। ये ऑयल पेंट्स दो वेरिएंट्स में अवेलेबल हैं, स्टूडेंट ऑयल पेंट्स और आर्टिस्ट ऑयल पेंट्स। और मैंने लगभग सेम पेंटिंग बनाई है लेकिन स्टोन पे, वही ऑयल पेंट्स का ही इस्तेमाल करके। अच्छा, ऑयल पेंट्स ब्लेंड तो आसानी से हो जाते हैं मगर इनको सूखने में काफी टाइम लगता है। इनको जल्दी सुखाने के लिए आप किसी मीडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल पेंट्स के ट्यूब्स सिंगल भी मिलते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले कुछ प्राइमरी शेड्स खरीदें, इनसे पेंट करके देखें, और यदि आपको पसंद आए तो ही पूरा सेट खरीदें। एक अच्छी बात ये है कि ऑयल पेंट्स आपके स्टोन्स को एक ग्लॉसी लुक देगा। ऑयल पेंट्स चाहे स्टूडेंट वाले हो या आर्टिस्ट वाले, दोनों काफी थिक और क्रीमी होते हैं बॉटल पेंट्स के मुकाबले। स्टोन्स पेंट करने का एक बेहतरीन ऑप्शन है अक्रेलिक पेंट्स। ये चार नीले स्टोन्स देख रहे हैं, इनको मैंने अक्रेलिक पेंट्स से पेंट किया है। अक्रेलिक पेंट्स काफी वर्साटाइल होते हैं, ये किसी भी सरफेस पे अच्छे से काम करते हैं, चाहे वुड हो, प्लास्टिक हो या फिर स्टोन्स हो। अक्रेलिक पेंट्स भी ऑयल पेंट्स की तरह ट्यूब्स में अवेलेबल होते हैं, और ऑयल पेंट्स की तरह दो वेरिएंट्स में आते हैं, स्टूडेंट अक्रेलिक पेंट्स और आर्टिस्ट अक्रेलिक पेंट्स। और ये भी सिंगल ट्यूब्स और एक डजन शेड्स में या फिर 18 शेड्स में भी अवेलेबल हैं, जेल और रिटार्डर मीडियम के साथ।
ट्यूब अक्रैलिक पेंट्स का एक तीसरा वेरिएंट भी है जिसे कहते हैं हैवी बॉडी अक्रैलिक पेंट्स, और इनका आप इम्पास्टो पेंटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी सिंगल ट्यूब्स में अवेलेबल होते हैं या फिर एक डजन शेड्स के सेट में भी आते हैं। तो यदि आपने टेक्सचर पेंटिंग करना है स्टोन पे तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो, मगर ये थोड़े महंगे आते हैं। और अब चलते हैं पेंटेड स्टोन्स के मेंटेनेंस की ओर। 8 स्टोन्स को अगर आपने बालकनी में रखना है तो इन्हें सील जरूर करिएगा किसी ग्लॉस या सीलर से। पेंटेड स्टोन्स को सिक्योर करने का और एक प्रचलित तरीका है, और वो है रेजिन कोट। ये आपके स्टोन्स को एक ग्लॉसी फिनिशिंग टच देगा, मगर रेजिन अप्लाई करना अपने आप में एक कला है जो आपको सीखनी पड़ेगी, और रेजिन का इस्तेमाल करते वक्त आपको कुछ सावधानी भी लेनी पड़ेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो ये सीखने के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए रेजिन कोट कैसे देते हैं इसका एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। अच्छा, और एक ऑप्शन है जो आसान भी है और सस्ता भी, और वो है ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। आप क्लियर नेल पॉलिश का 1 या 2 कोट्स लगा सकते हैं, मगर फिर भी ये रेजिन जितना तो थिक कोट नहीं देगा। आहा, ये रहे मेरे बालकनी गार्डन से कुछ फ्रेश फूल, है ना ये सुंदर। मैं आपको बता दूं कि मैंने कैनवस पे कई बार फूलों की पेंटिंग्स बनाई हैं, और इस बार मैंने स्टोन पर भी ये छोटा सा फूल पेंट किया है। एक्चुअली ये एक जोड़ी है, एक स्टोन पे फूल और दूसरे स्टोन पे तितली। इनके बेस कोट के लिए मैंने मेटालिक अक्रैलिक कलर्स का प्रयोग किया है। ट्यूब्स के अलावा अक्रैलिक पेंट्स बॉटल में भी अवेलेबल हैं, और यहाँ पे मैंने ये 4 मेटालिक शेड्स का सेट इस्तेमाल किया है। इस सेट में 4 शेड्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और ब्रॉन्ज, और मुझे ये किट काफ़ी किफ़ायती लगा। अच्छा, अगर आप बॉटल्स में से अक्रैलिक पेंट्स का इस्तेमाल करोगे तो आपने ध्यान रखना है कि 1 की जगह 2 कोट्स देने हैं, क्योंकि बॉटल अक्रैलिक पेंट्स फ्लूइड होते हैं, थिन कंसिस्टेंसी के होते हैं। इसलिए ये देखिए, ये और एक जोड़ी है 8 स्टोन्स की, जिसके बेस कोट के लिए भी मैंने मेटालिक अक्रैलिक पेंट का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये अक्रैलिक पेंट ट्यूब से हैं जो थोड़े महंगे आते हैं, पर थिक कंसिस्टेंसी के और बटरी रिच होते हैं। इसलिए अगर आप ट्यूब अक्रैलिक पेंट का बेस कोट दे रहे हो तो 1 कोट भी इनफ काफी हो जाता है। इसके अलावा इन 8 स्टोन्स को डेकोरेट करने के लिए मैंने कुंदन का प्रयोग किया है, जो कई शेप्स, साइजेस और कलर्स में अवेलेबल होते हैं। और ये जो फोरग्राउंड में तितली और फूल बने हैं, इनके लिए मैंने रेगुलर बॉटल अक्रैलिक पेंट्स का प्रयोग किया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेंटेड स्टोन की तरफ। उसके पहले मैं आपको कुछ फ्लावर पेंटिंग्स दिखाना चाहती हूँ। ये सुंदर सा फूलों का गुलदस्ता पेंट किया है मेरी एक स्टूडेंट ने, और इसके बैकग्राउंड के लिए ड्राई ब्रश टेक्निक का इस्तेमाल किया है, और ये क्ले से बने फूलों पे एक दूसरी स्टूडेंट काम कर रही है। अब लॉकडाउन के चलते बच्चे क्लास नहीं आ पा रहे हैं, मगर बहुत जल्द ही वो ये आर्ट वर्क कंप्लीट कर लेगी। और ये रहा कंप्लीटेड क्ले आर्ट जो तीसरे स्टूडेंट ने बनाया है, और इसके बैकग्राउंड के लिए पैलेट नाइफ का हमने इस्तेमाल किया है। पैलेट नाइफ पेंटिंग कैसे करते हैं इसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, और यदि आप इंटरेस्टेड हो पैलेट नाइफ पेंटिंग के बारे में जानने के लिए तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी आपके लिए। अब चलते हैं लास्ट एंड बेस्ट पेंटेड स्टोन की तरफ। ये मोर की पेंटिंग जो मैंने बनाई है, ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशंस हैं, और ये पीकॉक फेदर जो मैंने स्टोन पे बनाया है, ये भी मेरा बेस्ट स्टोन आर्ट है।
इस चमचमाते पीकॉक फेदर के लिए मैंने ग्लिटर ग्लू या लिक्विड एम्ब्रॉयडरी से बॉर्डर्स बनाए हैं। फिर इन शेप्स को मैंने ग्लास कलर्स से फिल किया है। ग्लास कलर्स भी दो वेरिएंट्स में अवेलेबल होते हैं, वाटर बेस्ड ग्लास कलर्स और सॉल्वेंट बेस्ड ग्लास कलर्स। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वाटरप्रूफ स्टोन आर्ट बनाने के लिए सॉल्वेंट बेस्ड ग्लास कलर्स ही अप्लाई करें। और ग्लास कलर्स प्लेन वेरिएंट और ग्लिटर वेरिएंट में भी अवेलेबल हैं। ये छोटे सेट्स में और बड़े सेट्स में और सिंगल ट्यूब्स भी अवेलेबल होती हैं। ट्यूब नहीं बल्कि बॉटल्स में अवेलेबल होती हैं। वेल, वी आर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई एंजॉयड मेकिंग इट, होप यू एंजॉयड वॉचिंग इट। और अगर लाइक करना है तो प्लीज़ थम्सअप दीजिएगा, और ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए बेल बटन को क्लिक कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं कि स्टोन्स पेंट करने के लिए ब्रशेस के अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं। खासकर अगर आप मंडला पेंट कर रहे हो तो आपको चाहिए डॉटिंग टूल्स, टूथपिक्स और ईयरबड्स। और ब्रशेस में आप फ्लैट, राउंड, लाइनर, फिल्बर्ट इत्यादि इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ब्रशेस का डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर लूँगी। एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।